बेसिकली आप आज का एजेंडा समझ सकते हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि जो शेडोज के टाइपिंग है, शेडिंग्स के टाइप जो है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है आज, और पर्सपेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें काम करना है। देन वो लैंडस्केप कैसे ड्रॉ करते हैं थ्रू द पर्सपेक्टिव्स, और देन ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग्स कैसे होते हैं पर्सपेक्टिव के थ्रू, तो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, तो उसके ऊपर हमें आज डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे तो बेसिक शेडिंग से, जो लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन्स जो है। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें तो हमें पेंसिल से करनी है, बट अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो मुझे भी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे सहारा लेना पड़ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं। एक इलिप्स लेता हूं और इस इलिप्स के अंदर हम लोग जो है एक मिड टोन को हम लोग फील कर देंगे। देन और इसी के ऊपर फिर हम लोग जो ब्रश टूल्स है उस ब्रश टूल से हम लोग लाइट टोन मिड टोन्स को हम यहाँ पे फील। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो मैंने अभी एक स्क्वायर ब्रश लिया, ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ ब्रश है। सो यहाँ पे एक NI3 है कि मैंने मेरे नाम से ही मैंने एक स्पेशल ब्रश बनाया स्क्वायर का। आप लोग भी अपने हिसाब से ब्रशेस क्रिएट कर सकते हैं डिफाइन ब्रश प्रीसेट में। तो मैं सॉफ्टवेयर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, सो इसलिए मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हाँ, तो यहाँ से मैं एक बेसिक ब्रश को मैं हम लोग एक सॉफ्ट ब्रश को लेते हैं जहाँ से हम लोग पेंटिंग कर पाए। तो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट ब्रश लिया है और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 30% ओपेसिटी डाउन कर दी है। तो यहाँ पे लाइट टोन, मिड टोन और डार्क टोन का मर्ज किया है मैंने। जब भी आप डिजिटल वर्क करते हैं, डिजिटल पेंटिंग या डिजिटल आर्ट वर्क की जब बात आती है, तब आपको पर्सपेक्टिव, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट्स, वॉल्यूम्स, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका डिजिटली जो आर्ट वर्क्स है उसको आप लोग एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक लाइट टोन है, मिड टोन है और एक डार्क टोन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। तो उसके साथ मुझे यहाँ पे हाइलाइट्स भी देना है, क्योंकि लाइट का जो सोर्स है इस डायरेक्शन से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ रखता हूँ, कि अपोजिट ऑफ द लाइट सोर्स। एक न्यू लेयर लेके हम लोग जो है यहाँ पे शाडोज की बात करेंगे और ब्रश टूल से हम लाइट शाडोज, फिर कास्ट शाडोज, तो आपको फिर ये रिफ्लेक्शंस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो लाइट का सोर्स हमने यहाँ से रखा हुआ है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर आपका जो है शेडिंग्स में, तो बेसिकली ये आपका लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन, हाईलाइट, रिफ्लेक्शन, शैडो एंड कास्ट शैडो। कास्ट शैडोज के टाइप्स अलग अलग हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अगर सरफेस का कोई शैडोज गिरता है तो उसको भी कास्ट शैडो बोला जाता है। अब इसके साथ, अब ये शैडो तो हो गया, ये लाइट्स का एक सोर्स देख के हमने शैडोज को देख लिया, बट इसके साथ हमें एंगल ऑफ शैडोज भी समझना है कि
पर्टिकुलर बेसिकली हम लोग एंगल्स कैसे डिसाइड करें, मतलब अगर मुझे शेडोज क्रिएट करनी है तो ये तो फ्लैट हो गया, भले हमने इसको थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया है इसके अंदर, बट दिखते वक्त तो फ्लैट है। तो फिर इसको अगर पर्सपेक्टिव में शेडोज क्रिएट करनी है या फिर पर्टिकुलर सोर्स को हमें अंडरस्टैंड करना है तो फिर हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, वो इमेज मैं आपको शोज करता हूँ। तो इसको एंगल ऑफ शैडोज बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स जनरेट किया गया है। लाइट सोर्स के यहीं पे हॉराइजन लाइन पे वैनिशिंग पॉइंट्स दिया हुआ है और वहीं से फिर ग्राउंड लाइंस के ऊपर कुछ लाइंस और लाइट सोर्स से भी कुछ लाइंस ली गई है। सो दैट इज अ कोन ऑफ एंगल्स है, और उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो विजन ऑफ लाइंस है या लाइन ऑफ विजन जो हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव में, उसके थ्रू ग्राउंड के ऊपर जो ग्राउंड लाइन है उसके ऊपर शैडोज क्रिएट किए गए। तो उसकी जो साइज एंड ये है उसके ऊपर हम लोग जो लेंथ है वो कैसे डिसाइड हो रही है या वो एंगल कैसे डिसाइड हो रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ कि एक हम लोग होराइजन लाइन को मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक होराइजन लाइन मैंने यहाँ पे बना दी और इस होराइजन लाइन के साथ मैं एक पर्सपेक्टिव में हम लोग बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब मेरा जो लाइट सोर्स है, यहाँ पे मैंने लाइट सोर्स रखा हुआ है, ये मेरा लाइट सोर्स और उसी के परफेक्ट नीचे पैरेलली हमारा वैनिशिंग पॉइंट है, दैट इज अ वीपी। तो अब जो लाइंस है वो आपको क्या करनी है, जो ग्राउंड लाइन है उस ग्राउंड लाइन के ऊपर ये जो हर एक एलिमेंट यहाँ पे बना हुआ है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं ब्रश यहाँ से लाइंस हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइंस है ये इस एंगल्स में आपकी आगे जाएंगी, ठीक है, पैरेलल। वो वैनिशिंग लाइन से जो मैं लाइंस लेके आऊंगा, और लाइट सोर्स से अगर हम लोग लाइंस लेंगे तो इसके हर एक एलिमेंट से आपको लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर वहां से ड्रॉ करूंगा तो जितने भी पॉइंट्स है इसके अपर पॉइंट्स उनको, मतलब जो बॉटम के पॉइंट्स है जो ग्राउंड लाइन को कनेक्टेड है वहां पे आपको वैनिशिंग पॉइंट से जो ग्राउंड लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। फिर ये जो डॉटेड लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये जो डॉटेड लाइंस है वो हर एक पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है जो ग्राउंड लाइन को छोड़ के बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर आपको जो ग्राउंड लाइन है और जो लाइट सोर्स है इसकी लाइंस कहीं ना कहीं तो आपके सरफेस पे कनेक्ट हो जाएंगे। सो ये बचा हुआ जो शेप आपको यहाँ पे मिलेगा ये आपका शैडोस क्रिएट करेगा यहाँ पे, और यही है आपका एंगल ऑफ शैडोस। ठीक है, तो ये परफेक्ट आपको लेंथ वाइज, मतलब जितना भी बॉक्स का लेंथ है ये परफेक्ट डिस्टेंस वाइज भी आप लोग शैडोज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम हमें आज जो देखना है एक पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है कि हमारा जो एलिमेंट है, अब मान के चलो यहाँ पे एक आपको मैं इलेवेशन दिखाता हूँ। अब बेसिक एक टेबल्स का कना हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे,
कि जैसे अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं प्लेन यहाँ पे, सो एक प्लेन यहाँ पे मैंने बनाया जिसका 4 फीट हाइट है, 6 फीट लेंथ है, और ये टॉप व्यू से प्लेन दिख रहा है, ठीक है। एलिवेशन जो है इसका, फ्रंट व्यू की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा फ्रंट व्यू है और सेम हाइट्स में हमारा ये हमारा साइड व्यू है, मतलब ये हमारा 4 फीट है, ये हमारा 6 फीट है फ्रंट और साइड से। मतलब बेसिकली जनरली एक टेबल है, टेबल्स को हमें अभी एलिवेशन करके देखना है कि वो हमें दिखेगा कैसे एग्जैक्टली। कि बहुत सारे लोग क्या है कि अगर जैसे कि 4 फीट 6 फीट है, तो अगर ये पर्सपेक्टिव में अगर रखेंगे तो एग्जैक्टली ये कितने फीट का दिखेगा, मतलब ये 4 फीट है और ये 6 फीट है एक्चुअली अगर प्लेन की बात करें तो। बट जब ये पर्सपेक्टिव में जा रहा है एक ऑलमोस्ट आई डोंट नो 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, या अगर ये फ्रंट से ही दिख रहा है, मतलब ये ऐसा ही हमको अगर दिखाई दे रहा है, सो ये लेंथ कितनी दिख रही है, ये 4 फीट तो नहीं है जो दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे 4 फीट दिखाई देगी, बट ये फ्रंट से अगर मैं देखूंगा तो फ्रंट से मुझे वो 4 फीट नहीं दिखाई देगी, मे बी 3 फीट हो सकती है, 3 1/2 फीट हो सकती है, 2 1/2 फीट हो सकती है, तो एग्जैक्टली कितना है। अगर ये फ्रंट की लाइन 6 फीट दिख रही है तो उसकी जो बैक की लाइन जो पर्सपेक्टिव में जा रही है तो वो कितने फीट की हो सकती है, ठीक है। सो ये परफेक्ट इसका अगर मुझे आंसर ढूंढना है तो हमें इसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो मेथड है उसको हमें समझना पड़ेगा, जो इलेवेशन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग एक इलेवेशन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, और इस बॉक्स के हिसाब से इसके जो कॉर्नर्स हैं इसमें भी हम लोग सेम उसका जो हाइट एंड साइज जो है, जो उसके जो पिलर्स हैं वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके ऊपर ये हमारा फ्रंट प्लेन है, मतलब टॉप व्यू से हमें दिखाई दे रहा है, बट अभी इसको मुझे पर्सपेक्टिव में दिखाना है। कल के अगर पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो उस पॉइंट्स में आपने नोटिस किया होगा कि हमने ग्राउंड लाइन देखा था, दैट इज जीएल, ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट, फिर एसपी दैट इज द स्टेशन पॉइंट्स, अगर सबको याद है, हॉराइजन लाइन थी यहाँ पे, ठीक है, फिर लाइन ऑफ विजन था, कोन ऑफ विजन था, ठीक है। तो वो भी चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी है, जैसे कि जीएल है, ग्राउंड लाइन है, सो ग्राउंड लाइन को मुझे समझना है, और फिर मुझे स्टेशन पॉइंट को समझना है, और फिर मुझे वैनिशिंग पॉइंट को समझना है। अब वैनिशिंग पॉइंट जो है हॉरिजेंटल लाइन पे ही हमारा आएगा, ठीक है, तो एक सर्टन डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आपका स्टेशन पॉइंट है, और जितनी हाइट टेबल की है उतनी हाइट्स पे हमारा एलिवेशन होगा, मतलब हॉराइजन लाइन है, और फिर वहीं नीचे हमारा ग्राउंड लाइन होगा उसी के डिस्टेंस में। तो इनको थोड़ा सा मैं परफेक्टली ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है वो स्टेशन पॉइंट मतलब व्यूवर्स, फिर व्यूवर्स और जो हॉराइजन लाइन है वो हमारे यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ पे मेरी ग्राउंड लाइन आएगी। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ, ग्राउंड लाइन, हॉराइजन लाइन और स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट मतलब व्यूवर, जहां से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को हम स्टेशन पॉइंट्स में कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जो मुझे इसका हाफ करना होगा परफेक्टली हाफ, और यहाँ पे जो स्टेशन पॉइंट है
यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो थोड़ी सी मैं साइज कम कर लेता हूँ। ठीक है, और सारे लाइंस को मुझे भी स्टेशन पॉइंट्स में कनेक्ट करना है। तो स्टेशन पॉइंट में जब मैं कनेक्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्टली ये जो लाइन है, ऐसे लाइंस के ऊपर आपको एलिमेंट्स ड्रॉ होते हुए नजर आएंगे। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए। इसको हमने स्टेशन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे स्टेशन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब सेम ऊपर के भी लाइंस आपके स्टेशन पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर मिलिन मोड़ी की अगर बुक लेंगे उसके अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे आपको क्वेश्चंस या टेक्निकल चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है। अब जो स्टेशन पॉइंट से यहां से सीधा जो हाफ बना हुए आपका बनेगा यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट। तो इसको मैं नाम देता था यहाँ पे स्टेशन पॉइंट और यहाँ पे आपका वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट है, फिर ये कैसे काम करेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो लाइन टूल से ये जो है इसकी विड्थ जो है ये आपकी सीधी मैं यहाँ पे पैरेलल नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे भी कनेक्ट कर देता हूँ। सेम चीज हमारी राइट साइड से होगी, परफेक्ट। जितनी हाइट हमने दी है, जितनी विड्थ हमने दी है उसी के हिसाब से। अब जो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हमने एक लाइन जो खींची है और इस ग्राउंड लाइन पे जहां पे कनेक्ट हुई है वहां से इसकी मुझे विड्थ लेनी है। सेम चीज मुझे जो उसका जो आगे का पोर्शन है उसका भी वैसे ही मुझे यहाँ पे लाइंस खींचनी है। और सेम लाइंस हम लोग पैरेलली अदर जो लाइंस हमने बनाई है उसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है बट नोटिस करेंगे आप प्रॉपरली तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया ऊपर से लाइंस, अब वैनिशिंग पॉइंट पे आपको मिल गया, बट इसका जो साइड इलेवेशन है वो जो साइड इलेवेशन हमें यहाँ पे जो ये टॉप व्यू जो बनाया हुआ है इसका टॉप व्यू का हमारा साइड इलेवेशन भी रहेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड का इलेवेशन ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। ठीक है, मान के चलो ऐसा कुछ हमारा साइड इलेवेशन बना हुआ है तो इसकी जो हाइट है वो उसी के रिलेटेड आएगी, बराबर है। और जो इसका जो नीचे का जो पोर्शन है वो भी हमारा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने। अब बचा हुआ जो पोर्शन है, जो टॉप व्यू है, ये वैनिशिंग पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और जो ये लाइंस है और इस लाइन तक हमारा टेबल का पॉइंट आएगा। अब मैं सर अगर इसको डार्क करूंगा तो आप थोड़ा सा, आपको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं एलिमेंट्स को। नीचे भी वैनिशिंग लाइंस अगर यूज हो जाएंगी, तो अगर उसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ब्रश टूल से हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपको एक चार टेबल के
लेग्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये टॉप व्यू आपको देखने मिल जाएगा। टॉप व्यू का अगर मैं किसी और कलर से अगर मैं यहाँ पे डार्क कर दूं, तो परफेक्टली पर्सपेक्टिव एंगल्स में आपको ये देखने मिल जाएगा। तो ऐसे इलेवेशंस इसके होते हैं। तो इसमें इन सारी चीजों का थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, आपको पता हो कि एग्जैक्टली अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर साइज दी जाए और उसके ऊपर से अगर आपको पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना पड़े तो फिर आपको कैसे करना है। काफी सारे एलिमेंट्स या प्रोजेक्ट्स आपको आर्किटेक्चर के थ्रू आ सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसे कुछ ड्राइंग्स बनाने होंगे, या कुछ टेक्निकल टर्म्स में जब लेआउटिंग की बात होती है जहाँ पे एनिमेशंस का हम लोग बात करते हैं वहां पे भी आपको ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। तो वहां पे भी आपको ऐसे एलिवेशंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा जो लाइट एंड शाडोज का जो मैंने आपको बताया था उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स में आपको पेंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। मतलब उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर हम लोग लेंगे तो उसके ऊपर हम लोग शेडिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने मेरा ओन ब्रश क्रिएट किया हुआ जो स्क्वायर में है, तो उसकी मैं सेटिंग एक बार चेक कर लेता हूँ। जब भी आप लोग पेंटिंग करेंगे या ड्राइंग्स बनाएंगे, आप डिजिटली बनाओ या आप किसी भी अदर एलिमेंट्स में बना, तो सबसे पहले जो आपको जरूरी है वो आपको ग्रे जो स्केल होता है उसको समझना होता है शेडिंग्स के। तो हमारा जो टॉपिक्स है शेडिंग्स के, उसमें से सबसे पहले तो मैंने आपको ये स्मूथ शेडिंग्स दिखाया है, ठीक है, स्मूथ शेडिंग्स हो गया। इसके बाद जो है वो आपका हैचिंग है, फिर जो दूसरा जो टाइप्स है वो है आपका क्रॉस हैचिंग है, फिर आप लोग कर्ल लाइन से भी शेडिंग कर सकते हैं, आप स्टिपलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टिपलिंग भी एक शेडिंग का पार्ट है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग के पार्ट्स है। हम जो अभी यूज करेंगे वो है हमारा स्मज वाला, जहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा तो हम लोग स्मज का ही यूज करते हैं, या स्ट्रोक्स के अंदर हम लोग शाडोज का एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो वही एक हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पे मैं एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग करके लेता हूँ। अगर इसको मुझे काउंटर में समझना है तो आप इसको जब इसके ऊपर हम लोग प्लेन्स डालेंगे तो इस काउंटर से भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि इसका जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और फिर उसके ऊपर जो शेडिंग अप्लाई होगी वो किस हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसी के अंदर हम लोग जो है हमारा जो
शेडिंग्स है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अब बेसिकली अगर लाइट सोर्स कहीं से भी हो, चाहे फ्रंट से हो, टॉप से हो, राइट से हो, लेफ्ट से हो, अब मटेरियल जो होता है उस मटेरियल के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एलिमेंट है उसका जो टेक्सचर है, मटेरियल जो है वो कैसा है, चाहे वो वुडन है या फिर शाइनी है। या फिर वो लेदर का है, ग्लास है, स्टील का है। अब कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, उसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको वहां पे टेक्सचरिंग करना। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग कब होगा कि उसको मटेरियल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको अलग अलग जो पार्ट्स है या अलग अलग एलिमेंट्स है उसको पहले लेके, जैसे स्टोन है तो स्टोन का आपको एक हाथ कोई रेफरेंस लेके उसके ऊपर पेंटिंग करना पड़ेगा। वुडन का कोई एलिमेंट होगा तो वुडन के एलिमेंट्स को आपको लेके पेंटिंग करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। सो वहां से फिर आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होगा और आपका जो ऑब्जर्वेशंस है वो है। बेसिकली अगर आपको एक अच्छा एनिमेटर बनना है तो आपको ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है। आप अलग अलग, जैसे आप अभी आप घर में भी बैठे हो तो आप लोग आसपास के सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपके फ्रेंड्स है, आप कहीं बैठे हो फ्रेंड्स के साथ, हर एक का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, सो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिज्नी के एनिमेटर भी वही बोलते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स जहां पे भी आप है पीपल्स को ऑब्जर्व कीजिए। वो पीपल्स जो होते हैं वही आपको रेफरेंस देते हैं आपका एनिमेशन करने के लिए। सो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑब्जर्व द पीपल, उसको आप रीड्रॉ कीजिए, पीपल्स को रीड्रॉ कीजिए, लाइव स्केचिंग कीजिए, तो वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। और तो किसी भी एलिमेंट्स को आप लोग लेके उसके ऊपर ही आप ऑब्जर्व कीजिए। आप मोबाइल के फ्लैश लाइट से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट सोर्स चेंज करके देख सकते हैं और वहीं से आपको फिर अंडरस्टैंडिंग होगा। जो सोर्स जो है लाइट का अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शाडोज है, उसकी जो रिफ्लेक्शंस है वो आपके चेंज होते जाएंगे। सो आप लोग जितना ऑब्जर्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। आपके पास अगर ऑब्जर्वेशंस पावर नहीं है या आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे किसी भी एलिमेंट्स को, अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, अगर मैंने यहाँ पे किसी को बोला कि मुझे आप बताइए कि जो माचू पिचू है, जो अपना सेवन वंडर्स है, उसके स्टोन का टेक्सचर कैसा है या उसके स्टोन का कलर कौन सा है। अगर मैंने आपको बोला कि चलो हम एप्पल ड्रॉ करते हैं या चलो हम लोग पपाया ड्रॉ करेंगे या हम साइकिल ड्रॉ करते हैं, तो आप तुरंत ड्रॉ कर देंगे या उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस आपके दिमाग में रहेगा, आप शुरू कर देंगे ड्रॉइंग करना। बट अगर ऐसी कुछ सडनली कोई एक चीज आपको बताई जाए कि वही कि एक माचू पिचू का डायग्राम बनाना है, आप पता ही नहीं कि माचू पिचू दिखता कैसा है या उसका स्टोन का टेक्सचर कैसा है, उसका मतलब वो स्क्वायर में है या ट्रायंगल में, पता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, हमारे दिमाग में उसका विजुअल है ही नहीं, इमेज ही हमें पता नहीं है वो कैसे दिखती है, तो आप कैसे ड्रॉइंग करेंगे उसको, हम लोग कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे ड्रॉ करके।
तो जो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे पीछे थोड़ा सा मैं हल्का सा एक ग्रेइश टोन लिया है, तो मुझे वो जो हमारे लाइट टोन्स है, जो व्हाइट कलर जो है, वो मुझे यहाँ पे क्लियरली मैं देख सकूँ उसको। अभी ये पैच वर्क किया हुआ है मैंने यहाँ पे, हम जब पे पैच वर्क जो बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको फिर इसको स्मूथ करना है। जो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट लेयर लिया मैंने और इस सेम चीज को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बहुत सारे लोग स्मज टूल या अदर टूल्स का यूज करते हैं, बट मैं प्रिफर करता हूँ ब्रश टूल का ही। सो ब्रश टूल का थोड़ा सा मैंने साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है और यहीं से मैं अल्ट से कलर को हम लोग पिक करेंगे और यहाँ से मैं उसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ, दैट इज 20% ऑफ किया मैंने। तो यहाँ से हम लोग उसको मर्ज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज भी कर देंगे तो भी चलेगा, इसका जो ओपेसिटी है। और फिर उसको बाद में जैसे जैसे वो मर्ज होते जाएगा, मैं वहां से पिक कर रहा हूँ और वहीं पे फिर मैं उसको पेंट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारा जो ओपेसिटी कम है उसकी वजह से ये आपका ये है। हम लोग डिजिटल पेंटिंग की ये नहीं कर रहे, बट आपको समझ में आए क्योंकि आप लोगों को फोटोशॉप हो चुका है, सो आपको हल्का सा ये डिजिटल पेंटिंग का क्लास भी हो सकता है। बट बताने के पीछे का एक रीजन है कि अगर आपको ट्रेडिशनली अगर थेरोटिकल चीजें अगर पता है, तो आप डिजिटली भी उन चीजों को आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्मज टूल भी कर सकते हैं, स्मज टूल का इश्यूज ये है कि वो पिक्सल बेस पे थोड़ा सा मर्ज कर देता है पिक्सल्स को और ओवरलैपिंग होता है, तो वहां पे फिर वापस दूसरे कलर्स को पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग बेसिकली मैं तो स्मज टूल को प्रिफर नहीं करता हूँ। Sure.
ओपेसिटी मैंने उतनी रखी है, 30 ओपेसिटी पे ही काम कर रहा हूँ। ऐसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को अगर लेके आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये बन भी जाते हैं, और आपको हल्का सा कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा कि जब आपकी असाइनमेंट अगर जब बनना शुरू होती है तो फिर आप लोग बाकी अदर एलिमेंट्स के, मतलब कोई कॉन्सेप्ट कैरेक्टर बनाना है या डिजिटल पेंटिंग्स के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले तो आपके लाइटिंग, शेडिंग, टेक्सचरिंग, उसका जो मटेरियल्स है उसके ऊपर जब आपका स्टडी अच्छा हो जाता है देन आप लोग कोई भी अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग पोर्ट्रेट के ऊपर जंप करते हैं, तो पोर्ट्रेट बनाना डिफिकल्ट चीज तो है नहीं बट इतने आसान भी नहीं है। आप अगर उसका हेयर का मटेरियल देखेंगे तो आपको अलग मिलेगा, उसका स्किन का टेक्सचर अलग मिलेगा और उसका आईज का टेक्सचर अलग रहता है। तो ये बेसिकली ड्राइंग अगर हम लोग कर देते हैं पेंसिल से, बट जब उसको पेंटिंग की बारी जब आती है तो सबसे ज्यादा हम लोग मार वही खाते हैं कि जब पेंटिंग के हम लोग करने जाते हैं तो हमें टेक्सचर समझ में आता, स्किन का टेक्सचर हम लोग रीड नहीं कर पाते प्रॉपरली, या हेयर्स जो होते हैं हेयर्स के अंदर रिफ्लेक्शंस होते हैं प्रॉपरली हाईलाइट हो जाता है और बाउंस होती है लाइट हेयर्स में, तो उन चीजों को समझ के फिर हमें आपका पेंटिंग्स के ऊपर काम करना होता है। फिर जब हम लोग ऐसे पेंटिंग्स करने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, कि अगर मेंटोर आपके साथ में नहीं है तो आपको खुद को अपनी मिस्टेक समझ में नहीं आती और फिर मूड ऑफ हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता और फिर हम लोग उस चीज को क्विट कर देते हैं। तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए छोटी छोटी चीजों से, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, चाहे कोई भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो पहले स्मॉल चीजों से आपको शुरू करना है, छोटे छोटे असाइनमेंट से आपको शुरू करना है, खुद से ही आपको एक असाइनमेंट की लिस्ट क्रिएट करनी है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो धीरे धीरे हम इसको और अगर समझ करते जाएंगे सो यहाँ पे और फिर एक प्रॉपरली हम लोग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पैच वर्क आपको करना है, लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन, हाईलाइट, रिफ्लेक्शंस, अकॉर्डिंग टू जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सामने रखिए और उसके ऊपर आपको स्टडीज करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि उसके ऊपर जो लाइट सोर्स आ रहा है उसकी जो शाडोज है, शेडिंग्स है, वो किस एंगल्स में जा रही है, और फिर वो अंडरस्टैंडिंग आपको ये लाइव ऑब्जर्वेशन से समझ में आएगा। आपको वॉल्यूम समझना है, पर्सपेक्टिव समझना है, तो आपको लाइव स्टडीज करना पड़ेगा, चाहे भी कोई भी एलिमेंट्स हो उन चीजों को आपको लाइव में ही देखना है या प्रैक्टिकली उन चीजों का सेटअप रख के आपको, वही मैंने जो बताया कि मोबाइल के फ्लैशलाइट से या लैम्प से भी आप एक ऑब्जेक्ट रखिए उसके ऊपर लाइट सोर्स यूज कीजिए,
या विंडोज के थ्रू जो लाइट आती है, तो वहां पे विंडोज के थ्रू एक आध कोई ऑब्जेक्ट रख के फिर उसका रिफ्लेक्शन स्टडीज वगैरह कीजिए। तो यही आपका बेस्ट स्टडीज है। पीछे एक व्हाइट कलर का आप कपड़ा लगाइए और छोटा सा सेट हल्का सा बनाइए, बुक्स वगैरह रख के उसके ऊपर कपड़ा डाल के, फिर वहां पे चाहे तो आप टोमेटो रखिए, चाहे तो आप एप्पल रखिए, फिर पेयर रखिए, या फिर आप एनी अदर एलिमेंट्स को वहां पे रखिए, स्टील का को कोई ऑब्जेक्ट रखिए, ग्लास रख के देखिए आप, या स्टील का जो ग्लास होता है उसको वहां पे रखिए, तो अलग अलग मटेरियल का स्टडीज होना शुरू होगा सेम लाइट के ऊपर, और फिर उसका फोटोग्राफ निकालिए या उसको वैसे सामने रखिए, फिर आप अपने मशीन्स के ऊपर उसको ऑब्जर्व करते करते आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है एज इट इज सेट को रखना, आप मोबाइल में फोटोग्राफ खींच लीजिए, फिर मोबाइल आपके मशीन में उसको इंक्लूड कर दीजिए, और फिर वहां से फिर आप देख के ड्रॉइंग्स कर सकते हैं। ठीक है, जाते जाते कुछ हम लोग जो हमारा 0 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स है उसको भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, एक अभी हम लोग पेंटिंग कर ही रहे हैं तो वो भी आपको मैं एलिमेंट्स जाते जाते बताता हूँ। तो यही चीजें प्रैक्टिस वाली है, तो इन्हों को आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना है। जैसे तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर लेता हूँ और सो ये जस्ट बैकग्राउंड की जो थ्योरी है आपके 0 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स में, वो BGD, FGD, MGD और OV, दैट इज ओवरले की थ्योरीज आपको यहाँ पे काम में आती है। सो उसका थोड़ा सा आपको हल्का सा स्टडी करना पड़ेगा। सो BGD है क्या, BGD क्या काम करता है, सो दैट इज अ बैकग्राउंड। MGD क्या है, MGD आपका मिडल ग्राउंड का काम करता है। तो मैं यहाँ से ओपेसिटी हाईएस्ट कर लेता हूँ क्योंकि सो मिडल ग्राउंड, और मिडल ग्राउंड से फिर आप FGD जो है वो फोरग्राउंड पे आ सकते हैं। तो फिलहाल जो पीछे जो ब्लरिश इफेक्ट मैंने दिया हुआ है वो मेरा बैकग्राउंड है, और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये मिडल ग्राउंड पे काम हो रहा है। थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। और फिर हम लोग आते हैं अपने फोरग्राउंड के ऊपर। एक कलर वॉश है बेसिकली, अगर हम मैं ट्रेडिशनली अगर वाटर कलर से पेंटिंग करता तो मैं ये कलर वॉश देता।
थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। कुछ कुछ चीजों के ऊपर आपको ये भी एक लाइव स्टडीज है, आप लाइव बीजीज का आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप पर्सपेक्टिव में स्केचिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड फोटोग्राफी जब आप करते हैं उसको आप लोग स्टडीज कर सकते हैं। तो वहां से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, कैमरा एंगल समझ में आएंगे, लाइटिंग समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो ये आपका स्टडीज है बेसिकली। आप जितना ऐसी चीजों के ऊपर आप काम करोगे उतना आपको सीखने मिलेगा। पीछे मैंने थोड़ा सा ट्रीज ऐड कर दिए। तो कलर पर्सपेक्टिव भी आपको स्टडी करना होता है। आपको ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स है जिसके ऊपर आपको पेंटिंग्स करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। यदि कुछ अगर डाउट्स वगैरह वगैरह है या कुछ क्वेश्चंस करना है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं साथ में उसका आंसर भी कर दूंगा। यहाँ से मैं एक जस्ट एक वाटर का इफेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जो डेज में होता है, अगर मैं बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव में ड्रॉ कर रहा हूँ तो कलर पर्सपेक्टिव मुझे स्टडी रखना पड़ता है। उसके अंदर जो है वो बेसिकली दिन में जो है वो नजदीक की जो चीजें हैं वो आपको डार्क दिखाई देती है, और जैसे जैसे वो दूर जाती है वैसे वो लाइट होते जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे आर्टिस्ट अगर आपने देखे, अगर आप लिंक्डइन के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आर्टिस्ट का जब आर्टवर्क्स या आप ट्यूट्स बोल सकते हैं, जब ट्यूट्स आता है सो वो सबसे पहले उनका एक ब्लॉक बना लेते हैं। जो अभी मैंने जो पेंट किया है इसको आप ब्लॉकिंग बोल सकते हैं, और फिर उसके ऊपर डिटेल्स में टेक्सचरिंग किया जाता है। कोई भी काम करना है या पेंटिंग्स करनी है, आर्टवर्क क्रिएट करना है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं जस्ट आप लोगों को एक आइडियाज दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। जैसे अपना रिवीजन की जो क्लास है उसके हिसाब से हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं।
इंस्टाग्राम पे है काफी सारे आर्टिस्ट जो है वो आपको उनके जो आर्टवर्क्स है उसका टाइम लैप्स में वीडियोस शेयर करते हैं, तो आप उसको भी देखिए कि उनका जो कलर करने का जो तरीका है वो कैसे करते हैं। अलग अलग आर्टिस्ट को जब आप फॉलोज करेंगे तो उनके जो स्टाइल्स है, स्टाइलाइजेशन है, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना इंडिविजुअल स्टाइल्स क्रिएट किया गया है। आप हायाओ मियाज़ाकी के स्टाइल देखेंगे सो वो डिफरेंट है, ग्लेन कीन की स्टाइल अलग है, जो अपने डिज्नी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके स्टाइल अलग से। अब नारुतो देखने जाएंगे, नारुतो के स्टाइल से अलग है, टोई एनिमेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका अपना खुद का स्टाइल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। आप अगर इंडियन एनिमेटर्स लेंगे तो आप वैभव कुमरेश को लीजिए, वैभव कुमरेश का अपना खुद का स्टाइल है, तो जो निकलोडियन के जो फिल्म्स बनाता है उसके अपनी एक स्टाइल उन्होंने क्रिएट की गई। आप सुरेश सर का एनिमेशन देखेंगे तो सुरेश सर का एनिमेशन अपना एक अलग ही उनका स्टाइल है, और हर एक यूनिक कॉन्सेप्ट वो लेके आते हैं और हर एक यूनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनका एनिमेशन क्रिएट करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका चेतन शर्मा है, या फिर आप अभिषेक वर्मा है, या फिर आप शिल्पा रानड़े है, या गीतांजलि राव है, या फिर आर.एल. मिस्त्री साहब है, या इन इन ये जो आर्टिस्ट है इनके काम्स देखिए, इनके आर्टवर्क्स देखिए, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे हैं। किरित खुराना साहब है, राम मोहन सर है, बहुत सारे, धीमंद व्यास सर है जिनका स्टॉप मोशन का अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, उस स्टॉप मोशन को अलग वे में ही सोचते भी है, अलग वे में देखते भी है, तो उनका आप देखिए। सुमंत राव का एनिमेशन देखिए, शेखर मुखर्जी है उनका आप एनिमेशन देखिए, तो वो बहुत सारे आर्टिस्ट है मैं जिनके नाम लेना अगर यहाँ पे शुरू करूँ तो इन लोगों के आप एनिमेशंस को देखिए और उसके हिसाब से आप इंस्पिरेशन लीजिए वहां से, और फिर वहां से आप जब आपका इंस्पिरेशंस जब आपके पास डाटा रहेगा, जब आपका लाइक माइंड फ्रेश रहेगा, जब आप बाकी लोगों के जब काम देखोगे और वहां से फिर एक एनर्जी क्रिएट होगी आपके अंदर की चलो यार हम भी कुछ अलग हटके करेंगे एनिमेशन, तो फिर वहां से एक स्पार्क आपके आर्टवर्क में दिखाई देगा। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि आप लोग रियलिस्टिक स्केचिंग जब करते हैं तो नहीं होता तो लोग मूड ऑफ करके बंद कर देते, यार नहीं हो रहा हमसे। बट आप वैभव कुमरेश लास्ट 20 साल से रियलिस्टिक स्केचिंग नहीं करता, उसके आप जितने भी एनिमेशन देखोगे वो सारे, आप जुजू का एनिमेशन देखो, वोडाफोन का सर्कल गोले बना के एनिमेशन किया, क्लिनिक प्लस का एनिमेशन देखो उसका, निकलोडियन का एनिमेशन देखो जो भी उसने एनिमेशन, इडली का एनिमेशन देखो उसका, इडली सॉन्ग जो है स्टॉप मोशन बनाया उसने, सो ऐसे तो इन चीजों को भी आपको ऑब्जर्व करना है, इन लोगों के काम से आपको करना है, या फिर शिल्पा रानड़े ने जो फिल्म बनाई है गोपी गवा या बाजा बजाया आप उसको देखिए, या फिर गीतांजलि राव की जो टू स्टोरी है ट्रू लव स्टोरीज है उसके जो कैरेक्टर है उसको देखिए, या उनको जो कांस में अवार्ड मिला था ऑरेंज फिल्म्स को, या प्रिंटेड रेम्बो उनके कैरेक्टर देखो, तो वहां से आप लोगों को इंस्पिरेशन आना चाहिए, या वहां से आप लोगों को जो है मोटिवेशंस आप ले सकते हैं आपके काम करते वक्त, ठीक है। तो और भी अभी जो मैंने एक लेआउट दिखाया है इसके ऊपर आप लोग और भी ज्यादा डिटेल्स में काम कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन, और फिर वैसे ही आपका जो प्रोसेस है ड्राइंग का वो चलता रहेगा, ठीक है। सो जो अपना जो एक सब्जेक्ट जो मैंने शुरू किया था ओल्ड मास्टर स्टडीज, तो आज कुछ आर्टिस्ट है, कल मैंने कुछ आर्टिस्ट आप लोगों को दिए थे स्टडीज के लिए, आई होप कि आप लोग उन सारे आर्टिस्ट को पढ़ रहे होंगे या उनके रिलेटेड आपके पास
कुछ इन्फॉर्मेशंस है, उनके यूट्यूब के ऊपर भी काफी सारे वीडियोस इंटरव्यूज आपको देखने मिल सकते हैं, या उनके आर्टवर्क के ब्रेकडाउन्स आपको देखने मिल सकते हैं। आज कुछ ड्राइंग के लीजेंडरी आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। एक तो जॉर्ज ब्रिजमन है, नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों को आप लोग। एंड्रयू ल्यूमियस है, एंड्रयू ल्यूमियस, बुरने होगार्ते, हाँ रायन वुडवर्ड है, जैक हैम, ठीक है। इसके अलावा जो डिज्नी के कुछ ग्रेट आर्टिस्ट हैं वो है, सॉरी, ग्लेन कीन, ग्लेन विल्पू का आप लोग ड्राइंग देखिए, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है ग्लेन विल्पू। इसके एनाटॉमीज यूट्यूब के ऊपर इसके हाफ एन आवर 1 आवर के ट्यूटोरियल्स है फिगर ड्राइंग्स के ऊपर, ग्लेन विल्पू है। उसके बाद आप एंड्रेस डेजा का काम देखिए, एंड्रेस डेजा, ये अगर आपने स्कार अगर याद है किसी को, लायन किंग का, या शेर खान किसी को याद है तो उसका क्रिएटर है। आप मार्क हेन का काम देखिए, आप माइक सरे का काम देखिए, माइक सरे, आप इरिक गोल्डबर्ग का वर्क देखिए, इरिक गोल्डबर्ग, या फिर हायायो मियोजाकी है ही, हायायो मियोजाकी, ठीक है। या फिर आप काजुओ ओगा का देखें, काजुओ ओगा बीजे आर्टिस्ट है, ये जो अपना हायाओ मियाज़ाकी का जो स्टूडियो है उसका ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है, काजुओ ओगा, स्टूडियो गिबली का। तो इतने आर्टिस्ट काफी है, और कल मैंने जो आपको दिए थे आर्टिस्ट वो उसके ऊपर आपको देखना है। लियोनार्डो है, या माइकल एंगेलो है, या राफाइल है, या बॉटिसेली है, टाइटियन है। सो ये जो आर्टिस्ट है इटालियन आर्टिस्ट, सो इनको भी आप, इनके आर्टवर्क को स्टडी करना है। और अगर इंटरव्यूज अगर आपको पढ़ने हैं तो आप इन आर्टिस्ट के इंटरव्यूज पढ़िए, और बुक अगर रेफर करनी है तो आपको बुक जॉर्ज ब्रिजमन, एंड्रयू ल्यूमियस, बुरने होगा, रेयन वुडवर्ड और जैक हैम, इनके बुक्स आप पढ़िए। और इंटरव्यूज और आर्टवर्क अगर आपको स्टडीज करने हैं तो ग्लेन कीन, ग्लेन विल्पू, एंड्रे डेजा, मार्क हैन, माइक सरे, इरिक गोल्डबर्ग, हायाओ मियाज़ाकी एंड काजू होगा, इन आर्टिस्ट के आपको इंटरव्यूज देखने हैं, वर्क देखना है, टाइम लैप्स वर्क इन्होंने अपलोड किए हुए हैं, इनके काफी सारे अलग अलग न्यूज चैनल्स ने इनके इंटरव्यूज पब्लिश किए हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल्स है, आप उसको देखिए। हायाओ मियाज़ाकी के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री दी है, वो डॉक्यूमेंट्रीज को भी आप स्टडीज कीजिए, तो वहां से आप लोगों को ड्राइंग का इंस्पिरेशन मिलेगा, फिल्म मेकिंग का इंस्पिरेशन मिलेगा। क्योंकि मैं जितने भी स्टूडेंट्स देख रहा हूँ वो बच्चे कोई फिल्म मेकिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे, मतलब उनके उनके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब हम एनिमेशन की फिल्म बनाए, या फिर हमारा कोई शॉर्ट फिल्म बने, एनिमेटेड फिल्म बने, खुद की कुछ हम स्टोरी बताना चाहते हैं। हम जितने भी है सॉफ्टवेयर सीखना या असाइनमेंट करना है या फिर ऐसे ही लगे हुए हैं, तो आप लोगों को जब आप इन आर्टिस्ट को जब स्टडीज करेंगे तो आपको एनिमेशन फिल्म बनाने में काफी हेल्प होगी, या इंस्पिरेशन आपको मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। आई होप कि काफी सारा आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, किसी को कुछ अगर क्वेश्चंस वगैरह है और किसी को पूछना है कुछ तो यू कैन जस्ट आप पूछ सकते हैं। ओ बाप रे, इतने काफी सारे क्वेश्चंस आए, मैं सॉरी मैंने नहीं देखा, सो एक्सट्रीम सॉरी, गुड,
तो एक जब मैंने माचू पिचू का एग्जाम्पल दिया था तो आंसर आया था कि सर गूगल करके देख लिया माचू पिचू। डेफिनेटली देख सकते हैं हम लोग, बट इशू क्या है जनकार कि जब हम लोग किसी चीजों को जब मतलब इमेज में देखते हैं तो इमेज में वहां से हमें हमारा जो ऑब्जर्वेशंस है या हमें जो एक अंडरस्टैंडिंग उनकी वॉल्यूम्स उसका जो एक लाइव का जो एक रेफरेंस है वो हमें डिजिटली नहीं मिलता या उतना क्रिएटिवली हम लोग सोच नहीं सकते इमेजेस को देख के, समझ रहे हो। स्टडी इज डिफरेंट पार्ट है, आप इमेजेस के ऊपर से स्टडी करना अलग बात है, बट उन चीजों को जब आप प्रैक्टिकली देखते हो या सामने जाके बैठ के जब स्टडीज करते हैं तब आपका एक अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर आपने 1 साल 2 साल अगर फिगर ड्राइंग्स इमेज में या बुक में देख देख के ड्राइंग किया और एक आपके पास जो आर्टिस्ट है जिसने लाइव मॉडल्स को सामने बिठा के उसका स्केचिंग किया हुआ है तो उसका अंडरस्टैंडिंग आपसे 10 गुना ज्यादा होगा, ये आप ध्यान में रखिए। जब वो लाइव ऑब्जेक्ट को जब प्रेफर करते हैं ना तो उसको वॉल्यूम वगैरह सब वो अंडरस्टैंडिंग लाइव लाइटिंग जो उसके क्लोथ्स के ऊपर उसके स्किन के ऊपर जो टेक्सचर्स क्रिएट होता है वो जो लाइव में उसको जो समझ में आता है वो आपको फोटोग्राफ में ज्यादा स्टडी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि आप उन चीजों को लाइव में स्टडीज कर सकते हैं। और है नहीं मैं डिजिटल पेंटिंग की क्लास नहीं लेने वाला हूँ तो पूछा है, सो मैं जस्ट शो कर रहा हूँ कि जो हम लोग प्रैक्टिकली अभी पेंसिल से स्केच करके नहीं दिखा सकता तो वो सेटअप है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर का सहारा लेके आपको ड्राइंग के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। पैच वर्क नहीं कर सकते हम लोग, कर सकते हैं बट वो फिर वो मर्ज करने में आपको काफी इशू आएगा। जो पैच वर्क मैंने दिखाया था ये सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब इससे आपका डिजिटल पेंटिंग का भी नॉलेज एनहांस हो जाएगा। हाँ आप लोग शेडिंग कर सकते हैं बट आपको पेपर के ऊपर शेडिंग करना डिफरेंट पार्ट है, डिजिटली शेडिंग करना अलग बात है। पेपर के ऊपर हमें लाइट टू डार्क की तरफ आना होता है और यहाँ पे हम लोग एक साथ पैच अप्लाई करके फिर उसको मर्ज करते हैं। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा आपको एडवांटेज देता है उन चीजों का, पेपर और पेंसिल उतना एडवांटेज नहीं देता हमें। पर्सपेक्टिव शैडो का एक बार क्लास में रिपीट करना डेफिनेटली। अभी ऑनलाइन की क्लास में बोल रहे जानकार कि हमारे जब क्लास रिज्यूम होगा तब की बात कर रहे हो। बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इज रेफरेंस टू बुक दैट यू हैव शेयर्ड। कॉपी वर्क क्वेश्चन पूछा है एवरीवन में, देखिए काफी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन्हीं के मैं आंसर अभी कर रहा हूँ। तो अभी ने उन्हें क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग विद द रेफरेंस टू बुक दैट यू हैव शेयर्ड दैट एंड्रयू लिमिसन बुर ने होगा। यस जो दिए हैं उसके अंदर उसको एज इट इज कॉपी करके ड्रॉ करने की कोशिश करो, उनके स्टाइल को समझने की कोशिश करो, देन उसको आप अप्लाई करो। जैसे मान के चलो कि लायन का स्केच एंड्रयू ल्यूमिस की बुक में दिया हुआ है, एंड्रयू ल्यूमिस ने एक लायन के स्केचेस बनाए हुए हैं, उन्हें लायन के स्केचेस को 10 20 30 स्केचेस है बुक के अंदर तो वो एज इट इज मैंने ड्रॉ कर लिए। एज इट इज ड्रॉ करने के बाद फिर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अब वो है फोर लेग स्टडी। अब फोर लेग स्टडी जो है एनिमल्स का वो मैं अप्लाई, अभी लायन तो है नहीं मेरे पास तो मैं अप्लाई किसके ऊपर करूंगा, तो आप आसपास में आपके घर में डॉग हो सकता है या फिर आप कैट हो सकता है तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब कैट कहीं बैठा हुआ है कहीं खड़ा है या फिर आपका डॉग कहीं पे बैठा हुआ है तो आप उसको देख के स्टडी कर सकते हैं, आप उसको देख के ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने पहले जो आपका प्रैक्टिस आपने क्या किया, आपने एंड्रयू ल्यूमिस या बुर्ने होगाथ की बुक से आपने वो बुक्स को उस स्केचेस को मतलब उस आर्टिस्ट के पर्टिकुलर आर्टवर्क को आपने कॉपी किया, वो चाहे फिर गेस्चर ड्राइंग्स है या फिर लाइन ऑफ एक्शन है फिर मसल स्टडीज है वो आपने वहां पे लेके ड्रॉ कर लिया। तो पहले आपको उनके बुक में से देख के ड्रॉ करना, देन उसको लाइव कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई करना है, मतलब लाइव कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके फिर एज इट इज जो आपने स्टडी किया है उसको फिर आपको अप्लाई करना है। सो दैट इज द बेस्ट वे। स्क्वायर पर है क्या या फिर सर्कल, यस जो एंगल ऑफ शैडोज है वो हर इसमें है। मैंने आई थिंक एक इमेज भी आप शेयर की थी यहाँ पे तो मैं वापिस एक इमेज यहाँ पे शेयर करता हूँ। एंगल ऑफ शैडोज स्माइल, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, सर्कल भी दिया हुआ है, पिलर भी दिया हुआ है, आप स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल्स भी है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सबके ऊपर अप्लाई होता ही है, ठीक है।
तो चाहे तो मैं उसके ऊपर डिटेल्स में मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओके, ऑफलाइन विदा कॉलेज में डेफिनेटली जनकर, मैं जब कॉलेज रिज्यूम हो जाएगा सो मुझे याद दिला देना, मैं डेफिनेटली आपको एंगल ऑफ शैडोज रिपीट कर दूंगा। योगेश, 7.5 हेड बराबर है या 8 हेड मेथड बॉडी? ओके, अब योगेश ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मेथड राइट है, कि 8 हेड प्रोपोर्शन या फिर 7.5 हेड। आई थिंक हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है कि जो 8 हेड जो प्रोपोर्शंस है, बेसिकली क्या है, 7.5 हेड जो प्रोपोर्शन है ये एवरेज अपना बॉडी प्रोपोर्शंस है अगर हम लोग बात करें, ठीक है। सो 7.5, अभी काफी सारे आर्टिस्ट जो है वो 7.5 हेड यूज करते हैं, काफी सारे आर्टिस्ट जो है वो 8 हेड प्रोपोर्शन यूज करते हैं। अब उसमें से बेस्ट, बोथ आर द बेस्ट, मतलब कुछ जैसे अगर एशियन कंट्री के बाहर जाएंगे तो वहां के जो बॉडी स्ट्रक्चर वो 8 हेड में आते हैं, या वहां के जो आर्ट कॉलेजेस है वो 8 हेड में यूज करते हैं, हम जो यूज करते हैं वो 7.5 हेड में हमारे आर्ट कॉलेज वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। बट हमारा जो एनिमेशन है वो एनिमेशन सिर्फ इंडिया के लिए लिमिटेड नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ का जो आर्ट वर्क बनता है वो 7.5 हेड से बनाते हैं, बट जो एनिमेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल का स्टडी है, जहाँ पे आप बाहर के भी आप काम करना है, आपको वहाँ के कैरेक्टर के साथ आपको आपके कैरेक्टर को अप्लाई करना है, आप अपनी खुद की स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो इसलिए जो हमारा जो स्टडी है एनिमेशन के अंदर का, इवन हम जो बुक रेफर करते हैं वो बुरने होगा, एंड्रू ल्यूमिस है ना, ग्लेन विल्पू, इनकी बुक रेफर कर रहा है ना। सो अब इनके बुक में इनका जो स्टडी है हेड का प्रोपोर्शन वो 8 हेड से दिया हुआ है। सो राइट एंड रॉन्ग नहीं बोल सकता, बोथ आर द राइट, बट आप किसको प्रिफर ज्यादा कर रहे हो दैट इज द राइट वे। मतलब अगर आप 8 हेड में भी आप काम कर सकते हो आप 7.5 हेड में कर सकते हैं। आई थिंक मैंने दोनों टेक्निक बताई है, 7.5 हेड के ऊपर भी हमने काम किया था और 8 हेड में भी काम किया था, पर मैंने ज्यादा प्रिफरेंसेस 8 हेड में दिया था, ठीक है। सर, हेयर्स ड्रॉ करते वक्त लाइट टू डार्क कलर करना चाहिए या डार्क टू लाइट? अब पेंसिल से स्केच कर रहे हैं तो लाइट टू डार्क, और डिजिटली कर रहे हैं तो डार्क टू लाइट, दोनों वे राइट है। सो डिपेंड करता है मीडियम कौन सा यूज कर रहे हो। पर्सपेक्टिव स्टडीज के लिए आई थिंक मैंने कल ही दिए हैं। सो कल जो आर्टिस्ट दिए थे, जैसे माइकल एंगेलो है, लियोनार्डो है, राफाइल है, बोटिसेली है और टिटियन है। सो ये कुछ आर्टिस्ट है, इटालियन आर्टिस्ट है, इनके आर्ट के ब्रेकडाउन्स तुम देखना शुरू कर दो, तो वहां से पर्सपेक्टिव का आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ऑलमोस्ट सारे अभी जितने भी मैंने अभी जो नाम दिए हैं आपको, ग्लेन विल्पू है या जॉर्ज ब्रिजमैन है, एंड्री ल्यूमिस है, बुर्ने होकार्ट है, रैन वुडवर्ड है, जैक हैम है, तो ये जो है ये सारे आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव भी यूज करते हैं, तो इनके ड्राइंग्स में भी पर्सपेक्टिव होता है। सो दीज आर द लीजेंडरी, वो ओल्ड मास्टर्स है, ये भी ओल्ड मास्टर है बट वो 14 सेंचुरीज के ओल्ड मास्टर है, ये अपने 19 और 18 सेंचुरीज के मास्टर्स है। तो जितने भी ड्राइंग आर्टिस्ट है सब लोग पर्सपेक्टिव का स्टडीज करते हैं, या उनके बुक में आपको पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा। सो जितने भी आर्टिस्ट मैंने कल और आज बताया उन दोनों आर्टिस्ट का आप लोग स्टडीज कर सकते हैं। सर, एक बार मसल स्टडी के बारे में बताइए, बिकॉज कई बार बॉडी बैलेंस बराबर नहीं होता। और डेफिनेटली हमारा जो कल का जो क्लास है उसमें हम लोग डेफिनेट 1.2.3 पॉइंट को भी मैं फिनिश कर दूंगा, और देन हम लोग ह्यूमन बॉडीज के ऊपर जाएंगे जहां पे हम लोग प्रोपोर्शंस वगैरह लेके काम करेंगे। सो डोंट वरी, मैं कल और परसों के क्लासेस में भी रिपीट करूंगा। और क्वेश्चंस है सर, डिजिटल आर्ट में ब्लेंडिंग के लिए स्मज टूल यूज कर सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली आप कर सकते हो, स्मज टूल कर सकते हैं, बट जब आप उसके ऊपर जब दूसरी लेयर डालते हैं, जब आप लोग दो कलर्स को जो ब्लेंड कर देते हैं स्मज टूल से, और फिर जब दूसरा आप पैच यूज करते हो उसके ऊपर, तो वो पैच उसके अंदर मर्ज नहीं होता, तो वहां पे एरर्स आ जाते हैं। तो इसलिए बेटर वे है कि यू प्ले विद द ओपेसिटी, आप ओपेसिटी के साथ प्ले कीजिए जब आप ब्लेंड करना है, और बस सेम लेयर पे आप डार्क टू लाइट, आप ओपेसिटी के साथ ब्लेंड हो जाता है,
जो अभी मैं कर रहा था एप्पल के साथ, वो भी ओपेसिटी के साथ ही ब्लेंड किया था। और अगर आपको शाडोज और हाईलाइट देना है देन यू कैन यूज ब्लेंड मोड्स, मल्टीप्लाई और आपका स्क्रीन मोड आप यूज करके आप हाईलाइट और शाडोज निकाल सकते हैं। ओके धनकार, मेरे पास बुक है, काफी सारे आर्टिस्ट के बुक्स हैं, एंड्रू ल्यूमिस के है, ब्रिजमन के है, होगार्थ के है, रायन वुडवर्ड के है, सो वो मैं आप लोगों को चाहे तो मेल कर दूंगा। और दूसरी चीज, अगर आपको हार्ड कॉपी पढ़नी है तो हार्ड कॉपीज आपको अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाएंगे। सो एंड्रू ल्यूमिस के है वहाँ पे, और बुर्ने होगार्थ के भी बुक्स है अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में, तो आप जब कॉलेज रिज्यूम हो जाएगा तब तो आप वहां से बुक परचेस कर सक सॉरी लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, टू टेक क्लास ऑफ बैकग्राउंड, सर आर यू गोइंग टू टेक क्लास ऑफ बैकग्राउंड? नहीं, मैं कोई भी डिजिटल पेंटिंग और बैकग्राउंड डिजाइनिंग की क्लास नहीं ले रहा हूँ, स्केचिंग की क्लास हम लोग ले रहे हैं, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट 102 डिजिटल सॉरी ड्राइंग एंड स्केचिंग है, तो मैं ड्राइंग एंड स्केचिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। बस आप लोग सब लोग समझ लिए कि हम लोग पेपर पेंसिल का भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर का सपोर्ट लिया है। सो डोंट बी मिसअंडरस्टूड कि हम लोग डिजिटल पेंटिंग की क्लास कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप हेल्प ले सकते हैं, मैं उसमें आपको हेल्प कर दूंगा, तो बट क्लास में वो नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा काम है आपको बेसिक ड्राइंग एंड स्केचिंग पढ़ाना। यस डेफिनेटली जनकार, मैं आपको मेल कर दूंगा। और हाँ जनकार, और एक चीज यही बता देता हूँ, जो अपने जो ब्रश परचेस किए थे मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको मेरा कोर्स मेल कर देता हूँ। सर, एनी प्रेफरेंसेस फॉर 2D एनिमेटर? डेफिनेटली अभी जितने मैंने नाम लिए यार, वो बहुत सारे 2D एनिमेटर ही तो है। आप यहाँ पे जो मैंने अभी आई थिंक जितने नाम लिखे थे, कहाँ लिखे, हाँ ग्लेन कीन है, ग्लेन विल्पू है, एंड्रे डेजा है, मार्क हैन, माइक सर है, इरिक गोलबर्ग, हायो मियाज़ाकी, काजू होगा, सब 2D एनिमेटर ही है। काजू होगा उसमें और ग्लेन विल्पू थोड़े ड्राइंग आर्टिस्ट है, बाकी जितने हैं वो सारे एरन ब्लेस को तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमारी 50-60% क्लास फॉलो करते हैं एरन ब्लेस के कोर्सेस को, ये सब 2D आर्टिस्ट ही है। और कौन है सर, ड्राइंग के लिए फ्लो प्रैक्टिस का सही वे कौन सा है? लाइन ऑफ एक्शन, फ्लो की अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लाइन ऑफ एक्शन का यूज कीजिए जितना आप लोग कर सकते हैं, CSI का आप उसमें यूज कीजिए। और इसके लिए आप माइकल मैटेसी, एक आर्टिस्ट है जिसके इंस्टाग्राम पे काफी सारे वीडियोस चलते रहते हैं, सो यू कैन यूज दैट वन। और डिएगो लुसिया कहके एक आर्टिस्ट है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, सो आपको समझ में आएगा। सो एक आर्टिस्ट जो है वो है आपका माइकल मैटेसी, इसका फोर्स ड्राइंग करके एक ऑनलाइन वेबसाइट है, और उसके साथ डिएगो लुसिया, सो ये दोनों आर्टिस्ट फोर्स ड्राइंग्स नाम का एक जो उनका वेबसाइट है उसको चलाते हैं, और ये लोग आपको लाइन ऑफ एक्शन जो है फ्लो है उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। तो काफी सारा आप लोग इनके ये हर रोज कुछ ना कुछ, आज तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से ये लोग हर रोज आते हैं ऑनलाइन, और इनके स्टेटस में लोग रखते हैं, और इनके IGTV में भी इन लोगों ने 10-10, 20-20 मिनट के वीडियोज इन्होंने रखे हैं, कि एक एक पोज को लेके ये लोग ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का ब्रेक डाउन करते हैं, कि इसमें फ्लो कैसा होना चाहिए, वेट कहाँ पे आना चाहिए, ग्रेविटी कैसी होनी चाहिए, तो वो सब वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। सो आप उसका भी आप प्रैक्टिस, मतलब आर्टिस्ट को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लाइन ऑफ एक्शंस। बस वही है, CSI है यार, और लाइन ऑफ एक्शन वही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अंडरस्टैंडिंग, और कम से कम लाइंस में आप लोग कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करो, और देन आप मसल्स अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर।
और यस, और क्या है, स्टडी करो, क्योंकि मसल स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि सर मेन मेन कौन से मसल्स को हम लोग स्टडी करें, सो वो बताइए, क्योंकि इतने सारे मसल्स हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। डेफिनेटली बेसिकली बताऊं तो मसल तो जरूरी है, विदाउट मसल्स हम लोग का फिगर ड्राइंग्स करना थोड़ा मुश्किल है। और बेसिकली अगर आपका पूरे सारे मसल्स का अगर स्टडी है तो आपको हेल्प करेगा आपका इन फ्यूचर, चाहे आप 3D करें, आप 2D करें, सो आप में उसको हेल्प होगा। तो मेन मेन मसल्स, तो मतलब आउटर मसल्स आप लोग स्टडी करें, जो इनर मसल्स है, छोटे मसल्स है, उनको छोड़ दीजिए। जैसे अगर बाइसेप की बात करूँ तो आप सिर्फ ब्राचियालिस को ही आप स्टडी करें, है ना। तो मतलब एक ही मसल जो है, वहां पे भी तीन मसल्स है, तो उन तीन मसल को ना स्टडी करते आप एक ही मसल को स्टडी करें। या फिर चेस्ट की मसल अगर मैं बात करूँ तो आप पेक्टोरियल मसल्स है, पेक्टोरियल मसल्स में आप, उसमें है बहुत सारे मसल्स, आप चेस्ट का एक ही मसल पकड़ सकते हैं, सो वैसे आपको स्टडी करना पड़ेगा। दैट इज अ ग्रुप ऑफ द सिंगल मसल्स आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप मेन मेन मसल्स नहीं बोल सकते, बट ग्रुप ऑफ द सिंगल मसल कर सकते हैं। ट्राइसेप के आप दो ही मसल स्टडी कीजिए, बाइसेप का आप एक ही मसल कीजिए, शोल्डर का आप एक कर सकते हैं, चेस्ट का एक पूरा आप कर सकते हैं, है ना। तो या फिर बैक में जाएंगे तो बैक का आप फोर मसल्स में उसको डिवाइड कर दीजिए, बस फोर मसल्स का स्टडी कीजिए। फोर आर्म के दो ही मसल्स आप स्टडी कीजिए, थाइज के तीन मसल स्टडी कीजिए जो फ्रंट में दिखते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे आपको काम करना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली आप हेड से शुरू कीजिए अभी आपका स्टडी जो है। हाँ डेफिनेटली आप हेड का प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, उसका प्रोपोर्शन देखिए और छोटी छोटी चीजों को डिटेल करना शुरू कीजिए। जैसे ईयर का अलग से ड्रॉ कीजिए, आईज को अलग से ड्रॉ कीजिए, नोज को अलग से ड्रॉ कीजिए, लिप्स को अलग से ड्रॉ कीजिए, फिर उसको एक फेस में फिट कीजिए। अलग अलग स्टाइल के कैरेक्टर्स, मतलब कोई लाइक जिसका हेड बहुत लॉन्ग हेड्स है उसको आप स्टडी कीजिए, किसी का राउंड में हेड है वैसे स्क्वायर में है ना। तो ऐसे हेड्स को, डिफरेंट डिफरेंट एज के हेड स्टडी कीजिए, मतलब किड का हेड अलग है या टीनेजर का अलग है या ओल्ड मैन का अलग है, फीमेल्स का अलग है। तो वैसे आपको अलग अलग स्टाइल के कैरेक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, अलग अलग एज के हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपका हेड एक परफेक्ट हो जाएगा। शुरू आप लोग एक एक एलिमेंट से कीजिए, नोज, लिप्स, आईज, ईयर्स, एंड देन एज वाइज कैरेक्टर को डिवाइड करके फिर आप शुरू कीजिए। एटलीस्ट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप रोज एक कैरेक्टर तो ड्रॉ कीजिए, मतलब एक तो हेड आपका रोज ड्रॉ हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस आप भले आप 100 स्केचेस कीजिए डेली में, बट आपको सिर्फ एक हेड तो परफेक्ट ड्रॉ करना है। और क्या है, प्राइवेटली क्वेश्चन मत पूछो यार, क्योंकि एवरीवन जो है वो उसमें पूछिए। तो क्या है कि क्वेश्चंस बाकी सब लोगों को समझ में आए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ रहा है। आई कैन ड्रॉ फेस ब्यूटिफुली बट आई कैन ड्रॉ हैंड जॉइंट्स एंड रिबकेज पोर्शंस। बस प्रैक्टिस करो गेस्चर ड्राइंग्स की, ये भी चीजें परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, अगर है तो आप लोग आप पूछिए, हम लोग आंसर करेंगे। तो आज की जो क्लास है खत्म नहीं हुई है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को बेसिकली एक रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पे। आप एक लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, और जो बेसिकली जो अलग अलग बॉक्सेस है इनको आप ड्रॉ कीजिए अलग अलग साइज में, अलग अलग पॉइंट्स पे। शायद किया होगा सबने ये असाइनमेंट्स। तो ये बेसिकली असाइनमेंट जो है आपकी, ये अबव आई लेवल है और ये बिलो आई लेवल है, ये होराइजन लाइन है, और यहाँ पे मैं अपना एक वैनिशिंग पॉइंट लेता हूँ, और उस वैनिशिंग पॉइंट से आपको क्या करना है, इनके जो लाइंस है इनको आपको कनेक्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो जस्ट मैं असाइनमेंट खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं आंसर करूंगा।
तो आप लोग टाइप करके रखिए क्वेश्चंस, तब तक हम लोग ये असाइनमेंट्स फिनिश कर लेते हैं। तो इसको आप 1 पॉइंट में ही फिनिश कीजिए। सो मैनुअल करेंगे तो ये बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे तो भी अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप लेक्चर सबको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट एंगल ऑफ शैडोज को थोड़ा सा आप लोग साइड में रखिए, क्योंकि एंगल ऑफ शैडो थोड़ा सा डिफिकल्ट आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं। और पर्सपेक्टिव भी वैसा ही है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट दिख रहा है वैनिशिंग पॉइंट है, अगर आप मैं स्टेशन पॉइंट अगर इसमें ऐड कर दूं तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमें। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से ब्रश लेके फिर पैरेलली हम लोग लाइंस को ड्रॉ करेंगे। हॉरिजेंटली और वर्टिकल जो पैरेलल लाइंस है इसको आपको ड्रॉ करना है। ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसको कलर करके भी देख सकते हैं, लाइक ग्रे स्टोन्स वगैरह। तो आप पेंसिल से इनको घर पे ट्राई कीजिए, ये बॉक्सेस वगैरह, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको हेल्प करेगा। तो उसके थ्रू मे बी शायद आपको मैं बैकग्राउंड्स के ड्राइंग्स यहाँ पे ये कर रहा हूँ, डिजिटल स्केचिंग नहीं, ठीक है। सो डिजिटल स्केचिंग की क्लास नहीं, ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग्स पढ़ा दूँ। ठीक है, ये अपना 1 पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट। और ये जो इमेजिनरी जो बॉक्सेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इसके सबके वैनिशिंग लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे जाके आपके मर्ज हो जाते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, डेफिनेटली देवयन यहाँ पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बीच में जो डिफरेंस अगर पूछा है, वहां पे आपको जो वैनिशिंग लाइंस है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। लाइन ऑफ विजन जो है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, और उस वो लाइन ऑफ विजन जो है और वैनिशिंग पॉइंट्स। और डेफिनेटली 1 पॉइंट में 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट में 2 वैनिशिंग पॉइंट्स आते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जो एंगल क्रिएट होता है 2 पॉइंट्स में वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। 1 पॉइंट में जो एंगल होता है दैट इज अ कोन ऑफ विजन, वो आपको वहाँ पे राइटिंग करना पड़ेगा। और क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं डेफिनेटली हम जो थर्सडे फ्राइडे के जो क्लासेस हैं हमारे इस वीक के जो एंड में जो 2-3 डेज है उसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर लेके जाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके आंसर कैसे लिखते, बाय प्रैक्टिकली मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा और उसके आंसर कैसे लिखने चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली जो पॉइंट्स है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में वैनिशिंग पॉइंट्स के ऊपर लिखना है, कोन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। कर सकते हैं आप जिगजैग में जो आप सिलेंडर होता है, जिगजैग में सिलेंडर मतलब आप लाइन लाइन ड्रॉ कीजिए। तो एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर मैं 1 पॉइंट में यहाँ से अगर लाइन लू, ये ऐसा है, बट जब आप सिलेंडर को जब बेंड करेंगे, सो हाउ द सिलेंडर विल बी बेंड, ये आपका 1 पॉइंट में सिलेंडर।
ये बेंड हुआ, ठीक है। 2 सेकेंड। सो ये ऐसे सिलेंडर्स आपको जब ड्रॉ करने पड़ेंगे तो काफी टाइम जो एलिमेंट्स है आपको सिर्फ ध्यान में रखना है वहां पे, और फिर उसको आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली इन चीजों को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आई होप जो फ्रंट में मैंने जो ड्रॉ किया है ये आपको आप इसके आउटर लाइन को अंडरस्टैंड कीजिए और फिर आउटर लाइन को अंडरस्टैंड करके फिर ड्रॉ कर सकते हैं आप जिगजैग में सिलेंडर्स को। ठीक है, और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? ऑलरेडी हमारा 1 o'clock हो चुका है, फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं आंसर करके फिर हम लोग। और नहीं है किसी के क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग, कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर।